दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर अपना पहला मुकाबला हार कर आई है। आरसीबी फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी वाली टीम अपना पहला मैच एक धमाकेदार जीत के साथ आई है। केकेआर अपना पहला मैच बारिश के कारण बिना पूरा खेले ही डीएलएस मेथड के तौर पर 7 रनों से हार गई थी, लेकिन जिस हिसाब से आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे थे, बारिश ना आती तो शायद केकेआर जीत जाती। लेकिन हारने के बाद भी केकेआर खुश होगी क्योंकि रसल अपनी फॉर्म में दिख रहे थे और केकेआर के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी टीमों के लिए रसल चिंता के कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केकेआर और आरसीबी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी कर रहे हैं इन दोनों टीमों के भिड़ंत का इंतजार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। दोनों टीमों ने अब तक ईडन गार्डन में 31 मैच खेले हैं, जिसमें से केकेआर ने 17 मैच जीते हैं और आरसीबी ने 14 मैचों में जीत हासिल की है। यहां देखा जाए तो केकेआर आरसीबी पर थोड़ा भारी पड़ रही है। इसकी वजह है कि ईडन गार्डन केकेआर का होम ग्राउंड है और कोई भी टीम हो, वो अपने होम ग्राउंड पर मजबूत नजर ही आती है। लेकिन आरसीबी केकेआर पर भारी पड़ सकती है क्योंकि विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। अब बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो केकेआर की तरफ से ओपन करेंगे विकेटकीपर रहमानुल्ला गुरबाज और उनके साथ होंगे मनदीप सिंह। तीसरे नंबर पर आएंगे केकेआर के कप्तान नीतीश राणा। वही आरसीबी की तरफ से ओपन करेंगे विराट कोहली और उनके साथ कप्तान फाफ डुप्लेसिस। तीसरे नंबर पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। बात करें तो केकेआर का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के ओपनर ने ही अपनी टीम को मैच जिताया था। यहां कंपैरिजन करें तो आरसीबी की टीम केकेआर पर पूरी तरह से भारी पड़ रही है। अब बात करेंगे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की। तो केकेआर की तरफ से चौथे नंबर पर रिंकू सिंह, पांचवें नंबर पर आंद्रे रसल, छठे नंबर पर शार्दुल ठाकुर और सातवें नंबर पर होंगे सुनील नारायण। वहीं आरसीबी की तरफ से चौथे नंबर पर मिचेल ब्रेसवेल, पांचवें नंबर पर शहबाज अहमद, छठे नंबर पर दिनेश कार्तिक और सातवें नंबर पर करण शर्मा होंगे। केकेआर की बात करें तो पिछले मैच में उनका मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर से काफ़ी अच्छा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनकी टीम के टॉप ऑर्डर ने ही मैच को जिता दिया था, जिससे उन्हें बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला था। इसलिए यहां पर दोनों टीमों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर की। तो केकेआर की तरफ से आठवें नंबर पर टीम साउदी, नौवें नंबर पर अंकुर रॉय, दसवें नंबर पर उमेश यादव और ग्यारहवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती होंगे। वहीं आरसीबी की तरफ से आठवें नंबर पर हर्षल पटेल, नौवें नंबर पर आकाशदीप, दसवें नंबर पर डेविड विली और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज दिखेंगे। यहां पर देखें तो दोनों ही टीमों के लोअर ऑर्डर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। पिछले मैच में केकेआर की तरफ से टीम साउथी ने 2 विकेट लिए थे, बाकी के बॉलरों ने उनका अच्छा साथ दिया था और सबने अच्छी गेंदबाजी की थी। वहीं आरसीबी की तरफ से करण शर्मा ने 2 विकेट लिए थे, बाकी के बॉलरों ने उनका भी अच्छा साथ दिया था और सबके सब ने एक एक विकेट लिए थे। तो दोस्तों, दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत दिख रही हैं और मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है। होने वाले इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सी टीम जीतने वाली है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।